हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन किया है कि एग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो एग क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाए। जिनको एग्स की प्रॉब्लम है, एग्स की क्वालिटी पुअर है या एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको बहुत दिक्कत होती है कंसीव करने में। तो आप लोगों ने मुझसे भर भर के क्वेश्चन किया था कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा क्या टिप्स आजमाएं जिससे हमारी एग्स क्वालिटी अच्छी हो। तो आज के वीडियो में मैं यही आप सभी को बताने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिस टिप्स को अपनाने से लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो सारी टिप्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगी आप सभी के साथ, एंड अगर कुछ छूट जाता है तो इसका पार्ट टू भी मैं जरूर बनाऊंगी। और तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक ज़रूर कर देना, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर एक्स क्वालिटी को इम्प्रूव करना है आपको, तो इसमें वेट का बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर आपका वेट सही है तो एक्स क्वालिटी भी इम्प्रूव होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वेट को हमेशा कोशिश कीजिए कि आप मेंटेन रखो, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करो। नंबर टू में है आपका जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस रखो। बहुत ज़रूरी होता है कि हार्मोन्स को बैलेंस रखना, क्योंकि अगर हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं हैं तो क्या होता है ना कि बैलेंस इनबैलेंस हार्मोन्स की वजह से हमारा दूसरे सिस्टम पे भी काफ़ी असर पड़ता है। बैलेंस हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहेगा तो पीरियड्स सही से नहीं आएंगे, या पीरियड्स आएंगे भी तो खुल के नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए अपने हार्मोन्स को कोशिश करें बैलेंस में रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए हम ऐसा क्या लें कि उसका रियल में हार्मोन्स बैलेंस करने पर बहुत असर हो, तो मैं ये जल्दी ही वीडियो लाने वाली हूँ। नंबर थ्री, आप कोशिश करें कि आपका जो ब्लड फ्लो है एंड ऑक्सीजन का फ्लो है वो हाई रहे, मतलब अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो हो, ब्लड फ्लो हो आपकी बॉडी में। और क्योंकि अगर ये चीज़ें सही से नहीं होगी तो आपकी जो एक्स क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने में मदद नहीं होगी। ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन फ्लो हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज। आप दिन में कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो काफ़ी हेल्प करता है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाने के लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है और आपकी एक्स क्वालिटी में बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। बहुत लोगों ने ऐसा फील किया होगा जो लोग डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं पहले से, और अगर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि आप वॉक करो या 30 मिनट की एक्सरसाइज करो, और उसके बाद उन्होंने अगर फिर से चेकअप करवाया होगा तो ऑफकोर्स मैं कह सकती हूँ कि उनकी एक्स क्वालिटी पे काफ़ी असर पड़ा होगा, काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी उनकी एक्स क्वालिटी। नंबर चार पे है फर्टिलिटी बूस्टिंग योगा। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है फर्टिलिटी बूस्टिंग योगा के ऊपर, तो आप वो देखकर योगा पोजेस ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत जाना माना तरीका है अपने एक्स को इम्प्रूव करने का, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आपको आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे, आप लोग कमेंट करना अगर आपको वो योगा पोजेस देखने हैं तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट करना। नंबर पाँच बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, पानी पीना। वाटर इनटेक हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या करते हैं हम पानी पीते नहीं हैं, पानी पीना भूल जाते हैं या हम लापरवाही भी करते हैं। आपको कम से कम दिन भर में बड़े ग्लास से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, इससे कम नहीं चलेगा अगर आपको अपनी एक्स क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। वैसे तो पानी सबको पीना चाहिए, लेकिन खासकर उनको मैं बोल रही हूँ जिनकी पुअर एक्स क्वालिटी है, उनको अगर इम्प्रूव करनी है तो आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, कम से कम 12 ग्लास पानी पीना पड़ेगा। पानी बहुत हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा और एक्स क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। नंबर सिक्स, हमेशा बैलेंस डाइट को प्रायोरिटी दे। आप जो डाइट लेते हो हमेशा बैलेंस हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट
भी आपके बॉडी, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना ही जाए, जितना फैट आपकी बॉडी को चाहिए उतना ही जाए, जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए उतना ही जाए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छा डाइटिशियन से आप डाइट अपना ले लो, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपको डाइट प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अपने पोषण को, पोषण की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में रखो। हर कोई जानता है कि मेरी बॉडी को कितना क्या चाहिए, हमें कितना खाना, ये तो हम जानते हैं ना। डाइटिशियन हमें मील प्लान बना के देगा, लेकिन हम खुद से अपनी बॉडी के लिए भी मील प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा डाइट को बैलेंस रखिए। स्प्राउट्स वगैरह ज़्यादा खाओ आप, वैसी चीज़ें खाओ जिससे आपको हाई अमाउंट में प्रोटीन मिले, तो ये ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा एंड आपके जो एग्स क्वालिटी है उससे काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 7, आपको रोज एक चम्मच पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज खाना ही खाना है। कैसे खाना है? आप चाहो तो उसको धो के साफ करके अच्छे से उसको रोस्ट कर सकते हो, और उसको हल्के से नमक में रोस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एक दो बूंद तेल भी उसमें अप्लाई कर सकते हो एंड उसको रोस्ट करके आप पम्पकिन सीड खा सकते हो। या फिर आप कद्दू की सब्जी बना के खाते हो तो उसमें भी उस बीज को अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते हैं कद्दू की सब्जी के साथ, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो तो आप वैसे खाओ सब्जी के फॉर्म में, तो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। नंबर 8, हर फीमेल को चाहिए कि वो पेरिनेटल मल्टीविटामिन जो होते हैं वो जरूर खाए, खासकर तब से जब वो फैमिली प्लानिंग की बात सोच रहे हैं, तो तब से वो पेरिनेटल मल्टीविटामिन टैबलेट जरूर खाए। मैं यहाँ पे कोई भी टैबलेट का नाम नहीं ले रही हूँ, बेटर होगा कि आप जिस भी गायनी से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उससे वो चीज़ आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा लो, वो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग देंगे। एंड ये टैबलेट्स इसलिए भी अच्छी होती है कि इससे कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है वो हमारे अंदर जो हम खाने से हम जिस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते वो टैबलेट्स हमारे बॉडी में फुलफिल करती है। इसलिए मैंने बोला कि पेरिनेटल मल्टीविटामिन हर वुमेन्स को लेनी चाहिए जो कंसीव करना चाह रही हैं। नंबर 10, ये हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो हम चाहते हैं नहीं होता है, जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत दिक्कतें हैं। मतलब स्ट्रेस कर करके अपने माइंड को इतना उलझा लेते हैं ना कि हम दूसरा किसी लायक नहीं रहते हैं। तो उन सभी फीमेल्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने स्ट्रेस को इस टाइम कम रखना। अगर आप कंसीव करना चाहते हो और अच्छा बेबी चाहते हो, हेल्दी बेबी चाहते हो, तो प्लीज़ अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको एकदम खत्म कर दो। जितना कोशिश हो सके आप अपने आप को बिजी रखो, अच्छी चीज़ें सुनो। अगर आपको फिर भी स्ट्रेस डिप्रेशन होती है तो आप वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, गाना सुनाओ। बेशक आप बेसुर है लेकिन गाना सुनो और सुनाओ, बुक्स पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है ना उसको यूटिलाइज करो जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। लाइक मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं हमेशा गाने सुनती हूँ जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है। तो आप भी ऐसा कुछ अपना कर सकते हो जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो और जिससे आपको कंसीव करने में आसानी हो। ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पुअर एक्स है वो भी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। लोगों ने ये चीज़ अप्लाई करके अपने एक्स को इम्प्रूव किया है और ऊपर वाले की दुआ से वो सारे अभी कंसीव कर चुके हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग भी ये अप्लाई करना और ज़रूर सबकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। बस ऊपर वाले से यही मेरी प्रेयर रहेगी कि सबकी इच्छाएं पूरी हो। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, खासकर उन फीमेल्स के पास जिनको बहुत सारी लाइफ में दिक्कतें झेलनी पड़ रही है अभी, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।